हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु 1111 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सफलता क्या है और सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, उसके जीवन में सफलता मिले, लेकिन क्या आप सफल हो पाते हैं? अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते। अब जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं वो काफ़ी चिंतित होते हैं और अपने जीवन में सफलता के लिए बहुत सारी प्रयास करते हैं। जैसे कुछ लोग ज्योतिषी से मिलते हैं, कुछ लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं, कुछ लोग और जाने क्या क्या तरीकाएं अपनाते हैं अपने जीवन में सफल होने के। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। दरअसल समझना ये है कि सफलता है क्या, सफलता कहते किसे है, क्या अपनी एक इच्छा को पालना ही सफलता है। आज के दौर में सफलता का मतलब यही है कि आपके अंदर कोई चीज की इच्छा हो गई और उसे पालिए तो सफल हो गए, अगर नहीं पाए तो आप सफल नहीं हैं। और इसके चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो क्या एक इच्छा की पूर्ति करना ही सफलता कहलाता है? नहीं। और आज सभी को यही समझाया भी जा रहा है कि अपनी एक इच्छा पाल लो और उसे पूरा करो, यही सफलता है। जैसे आपके बगल का ही कोई लड़का पढ़ाई किया और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप भी अब अपने अंदर ये इच्छा पाल लेते हैं कि हम भी वही काम करेंगे। ये कोई जरूरी है कि जो वो किया वो आप कर सकेंगे? आपके कर्म में वो है या नहीं, आपके भाग्य में वो है या नहीं? और लोग यही गलतियां कर देते हैं, दूसरे को देखकर वही काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उसके किस्मत में था, उसने कर लिया, आपके किस्मत में वो नहीं है तो आप कैसे करेंगे? या आप किस्मत का बात भी छोड़ दीजिए, ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को, उस लड़का को उस काम में इंटरेस्ट था, वो उस काम को दिलो जान से करता था, इसीलिए वो सफल हो गया और आप उसको देखकर करने जा रहे हैं, जिसके वजह से आप पूर्ण रूप से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, पूरे मन से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आप असफल हो रहे हैं। अब आप परेशान होंगे कि मैं असफल क्यों हो जा रहा हूँ? क्या जरूरी है कि सबका सोच एक ही जैसा हो, सब कोई एक ही जैसा सोचता हो, एक ही जैसा करता हो? जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में रुचि है, क्या जरूरी है सबका रुचि उसी में हो? नहीं। तो जब ये नहीं है ऐसा, तो आप दूसरे का देखकर क्यों ऐसा करो? यही कारण है कि आजकल अधिकतर लोग असफल हो रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है अपने सोच को बदल देना, अपने समझ को बदलना और उस काम में रुचि रखना जो करना आपको अच्छा लगता है, पसंद है। जब किसी काम को आप दिल से करेंगे तो उसमें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, किसी भी मन्नत की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि उस काम में आपका मन लगना चाहिए। अगर आपका उस काम में मन नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और एक बात हमेशा दोस्तों याद रख लीजिए कि सफलता का मतलब अपने इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं होता है। आपने एक इच्छा कर लिया और उसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दिए और अगर उसमें सफल हो गए तो सफलता और ना सफल हुए तो असफलता, ये सही नहीं है। किसी इच्छा की पूर्ति करना सफलता नहीं होता। जब तक आपके दिमाग में किसी इच्छा की पूर्ति करना सफलता कहलाएगा तब तक आप परेशान रहेंगे, निराश रहेंगे, ऐसे ही चक्कर काटेंगे। इसलिए अपने सोच को बदलिए, अपने इच्छाओं पर काबू रखिए, आप अपने जीवन में काफ़ी सफल होंगे। बस इतना ही।